राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरे तरह हर कोई हैरान रह गया होगा और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से चार गुना कम आयु से ज्यादा फिट हैं। बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करता है, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया में कोई भी नेता, चुना हुआ प्रतिनिधि कभी भी इतने ऊंचे स्थान पर रहते हुए जनता के साथ इतने सीधे तरीके से संवाद नहीं किया जो आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम सभी लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि अगर 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हर महीने सीधा संवाद करते हैं। हम सब लोग मन की बात में जुड़ते हैं और हर एक अंतिम रविवार को महीने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम उद्बोधन भी सुनते हैं और उससे हम जानकारियां हासिल करके समाज में उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है और समझने लायक बात यह है कि दुनिया में कोई भी नेता, चुना हुआ प्रतिनिधि ने कभी भी इतने ऊंचे स्थान पर रहते हुए जनता के साथ इतनी सीधे तरीके से संवाद नहीं किया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। 3 अक्टूबर 2014 को उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। ये आज जो मन की बात उन्होंने की, ये इसका संस्करण ये 87th एपिसोड है ये संस्करण। बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज 87वां संस्करण पूरा हुआ है। मोदी जी ने देश की जनता के साथ 87 बार सीधा संवाद किया है।